हेलो किचन मम्मी देव, आप सभी का स्वागत है। ठंडी पड़े और पंजाब नहीं याद आए, ऐसे हो सकता है? नहीं ना, तो बस चलो बना लेते हैं ये वाली मज़े की मक्खन विथ मक्के की दाल रोटी। वैसे तो सरसों का साग भी होता है, बट हमारे मुंबई में अभी तो मुझे तो फिलहाल नहीं दिखा। अगर दिखेगा मैं ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, बट ये मक्के की रोटी तो शेयर कर देते हैं। चलो बस मक्खन साथ में मिला है तो बना दें। बस सिंपल से, ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना है, जल्दी बन जाते, बड़े मस्त झटपट और एकदम फुली फुली रोटी बनेगी। तो चलो आज बना लेते हैं। बस ये कटोरी मैंने, कटोरी के मेजरमेंट्स में दो कटोरी करीबन आटा ले रही हूँ एंड इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। अब पानी ना गर्म लेंगे हम, गुनगुना पानी है जिसे भी गर्म है। फिर तो मैं इसे ये कलछी के हेल्प से लेके डाल डाल के इसे मिक्स करूँगी। तो बस इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ पानी मत डाल देना नहीं तो गीला होने का डर रहेगा, थोड़ा 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 पानी डाल के ऐसे, और इसे अच्छे से गूँथ लेंगे आटा, जैसे रोटी के आटे बनाते हैं वैसे बनाने, ज़्यादा मेहनत भी नहीं। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो बस इन सबको पानी डाल डाल के अच्छे से मैंने मिक्स करी, देखिए बाइंडिंग भी आ रहा है। तो बस ये कलछी हम साफ़ कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल डाल के थोड़े थोड़े पानी डालेंगे, एक साथ मत डालिएगा नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। तो बस इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, गर्म पानी से बाइंडिंग आएगा, इसे मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। पानी डाल डाल के इसे अच्छे से गूँथेंगे, करीबन 5 से 10 मिनट लगेगा। अच्छा सा जैसे जितना हम लोग वो करेंगे उतने हमारी रोटी अच्छी बनेंगी, चिकनी भी बनेंगी। तो बस इसे मैं अच्छे से गूँथ के रख देती हूँ साइड में, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए इसमें इसलिए। तो बस इसे मैं रख दी, देखिए गूँथ उठे अच्छे से, देखिए आपको चिकना एकदम आटा। तो बस इसे रख दे रही हूँ, बस 10-15 मिनट रखा। अब इसके बाद देखते हैं आटा, ये देखिए काफ़ी अच्छे से आटा रेडी भी हो गया है, ये देखिए। तो बस इसमें से मैं छोटी सी एक लोई लेती हूँ और इसे गोल करेंगे, जितना मोटा पतला आपको चाहिए रहेगा उस हिसाब से लोई लेना है। ऐसे अच्छे से चिकना करना है एंड देन मैंने मक्के के आटे की हेल्प से इसे रोल कर रही हूँ, तो आटा थोड़ा सा डस्ट कर रही हूँ और इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। फिलहाल मैं बेलन नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी हाथ से ऐसे ऐसे फ्लैट, आटे की हेल्प से फ्लैट कर रही हूँ, फिंगर की हेल्प से मतलब बेल रही हूँ, रोल कर रही हूँ। एंड देन जो बड़े हो जाएंगे जितने, तो बस वो फिंगर ना आए इसकी वजह से मैं हल्का सा बेलन मार दे रही हूँ बस। और ये जो साइड में वो है स्क्रब टाइप का, उसे मैं हाथ से सेट कर दे रही हूँ बस सिंपल से। और तवा मैंने पहले से रख दिया है गर्म होने के लिए, और तवा बस तवा अच्छे से गर्म रहेगा तो हमारी रोटी भी बड़ी मज़े की बनती है। और थोड़ा ना हाई फ्लेम में नहीं, मीडियम में इसे पकाना है। तो बस इसे हम रख डालते हैं तवे में मीडियम फ्लेम पे, एक साइड हो जाएगा तो दूसरी साइड भी इसे पलट के, देखिए अच्छे से हो गया। तो दूसरी साइड भी इसे अच्छे से सेक लेना है एंड देन आपके पास वो पापड़ सेकने वाला होगा वो ले लेना, नहीं तो ऐसे ही सेक लेना, कोई नहीं। मैं तो फिलहाल ऐसे ही सेक रही हूँ, तवा हटा के ये देखिए इस पर रख के ऐसे सेकना है और आँच एकदम मीडियम लो करना है और इसे चारों तरफ से ऐसे घुमाते हुए सेकना है। रोटी हमारी मस्त फूल भी जाती, धीरे फूलेगी, धीरे धीरे फूल जाती। तो ये देखिए स्टार्ट हो रहा है फूलना, दिख रहा है आपको ये देखिए। तो बस इसी तरह पूरी रोटी अच्छे से एकदम फूल जाएंगी, ये देखिए। तो बस अच्छी सी रोटी तैयार हो गई एकदम फुली फुली डब्बे जैसे, तो क्या बोलते है ना मज़े की रेसिपी। और बहुत अच्छे, वैसे कहते हैं बहुत लोग रोटी फूलती बस उसे ज़्यादा मत गूँथना पड़ता है और बहुत अच्छा बनता है। तो बस ये देखिए रोटी हमारी होगी तैयार, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं मक्खन के साथ, क्योंकि मक्खन फेमस है। ठंडी मक्खन और मक्के की रोटी मिल जाए, हाय हाय वारी जाओ जी, साग पे भी मक्खन मिल जाए तो भी मज़े ही आ जाते हैं। तो बस ये देखिए रोटी भी हमारी होगी तैयार, तो उम्मीद करूँगी आप ज़रूर ये रेसिपी बनाएंगे और मुझे बताएंगे आपको कैसे लगी। और ये देखिए आप भी खाइए और हम भी खाते हैं, तब तक के लिए खाओ पियो मज़े को, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और हाँ, जैसे मैंने बताया वैसे आप अगर फॉलो करेंगे, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा देखेंगे तो वैसे फॉलो करेंगे और वैसे ही बनेगा, तो ज़रूर आप वीडियो पूरा देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।